फो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। वेयर इज माई डॉटर? अरे आ गई। हे मॉम, मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड। आई एम गोइंग मैरी विद हिम नेक्स्ट मंथ। ओह सो स्वीट बेटा। वाओ, तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। यस मॉम, आई नो। मॉम, हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं रूम में। आप हमारे लिए कोई टेस्टी फूड बनाकर भेज देना। ओके, ना ऊपर जाओ और मज़े करो एंड अपना प्रोजेक्ट बना लो। मैं आपके लिए कोई टेस्टी फूड बनाकर ऊपर भेज देती हूँ। ओके ओके, वैसे भी आज हमें बहुत प्रोजेक्ट बनाने हैं। यू नो कि हम दोनों ऑफिस में मिले थे। अच्छी है, चलो फिर अपना प्रोजेक्ट बना लो, नहीं तो आपके सर गुस्सा हो जाएंगे। ओके मॉम, बाय बाय बाय। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आज हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। और मैं तुम्हें आज अपने घर लेकर आई हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मेरी मम्मी है ना, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड बनाकर खिलाएंगे। ठीक? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ अंदर। अरे ये क्या, आज ये लड़के को लेकर आई है घर पे? रुको, इसे तो अभी बताती हूँ। हाँ, मैं बर्बाद हो गई, तूने हमें बर्बाद कर दिया। ये क्या किया, मुझे पता था तू एक ना एक दिन ऐसा काम करेगी। इसने फंसाया हो तुझे, रुक तुझे अभी बताती हूँ। तूने तूने फंसाया इसे, रुक। ये ले ये ले ये ले। अरे मम्मी रुको रुको, क्या है, तू बोल अब, तू बता। अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त नहीं है, काम वाला है। क्या काम वाला? हाँ, जब भी तो मैं सोचूं, हमारी लड़की तो कभी किसी लड़के से दोस्ती कर ही नहीं सकती। हाँ अच्छा, ले बेटा जा बाथरूम साफ कर दे। अच्छा ठीक है। अरे बेटा बाहर क्यों जा रहा है, बाथरूम तो ऊपर है। नहीं आंटी, मैं ना घर पे जा रहा हूँ पोछा लेने। लेकिन पोछा तो हमारे घर में भी है बेटा। हाँ लेकिन आंटी, हमारे घर में है ना ऐसा पोछा है जिसपे मैं हवा में उड़ने वाला पोछा है, तो आपके घर की सफाई कर कर है ना मैं पड़ोसियों के घर में उसी पर बैठ के चला जाऊंगा। अच्छा है, चल तो ठीक है बेटा, लिया। अच्छा बेटा जल्दी आइयो। ठीक है, बाल बाल बच गया। मॉम, इट्स टू हॉट डे, व्हाट आई कैन डू नाउ? ओ बेटा डोंट वरी, तुम एक काम करो, तुम ऊपर अपने रूम में चली जाओ और एसी ओपन कर लो। ओके ओके मॉम, थैंक यू। यू आर वेलकम बेटा, अब जाओ नहीं तो गर्मी लग जाएगी और गर्मी से फिर कितनी ज्यादा मुश्किल होती है ना। यस मॉम, ओके मैं जाती हूँ, बाय। अब मैं आराम से रूम का एसी ओपन करके लेट जाती हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। ओह कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं मम्मी से कहती हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ क्या हुआ? मम्मी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कोई पंखा चला लूँ क्या घर का? अरे नहीं पंखा मत चला, बिजली ज्यादा आ जाएगी। एक काम कर, तू अपनी एक कॉपी लिया और उससे मुझे भी हवा कर ले और खुद भी हवा कर ले। अच्छा ठीक है, कितनी ज्यादा कंजूसी दिखाती है, पंखा भी नहीं चलाने देती। ये लो अब ठीक है, आ रही है हवा। हाँ अब भी तो हवा आ रही है। हाँ अब लग रही है ना हवा। कितनी ज्यादा कंजूस। वाव कितना अच्छा वाइल्ड एनिमल है ना बेटा? अरे ये तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, इसे क्या हुआ? मैं पूछती हूँ। व्हाट हैपन बेटा? मॉम मैं बहुत ज्यादा परेशानी हूँ, मैं मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यस मुझे बताओ, मैं कुछ हेल्प कर दूंगी। मॉम जैसे आपको तो पता ही है ना कि हॉलीडे वेकेशन समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं घर पर बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। आप कोई क्लास वगैरह बता दीजिए ना, मैं क्या करूँ? अरे बेटा तुम एक काम करो, आर्ट क्लास ज्वाइन कर। ओके मॉम, लेकिन मैं उससे कभी बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो मैं उसके बाद कुछ करना चाहती हूँ। ओ बेटा तुम एक काम करना, मैं तुम्हारे आर्ट क्लास, स्विमिंग क्लास, हर चीज़ की क्लास, की म्यूज़िक क्लास, हर चीज़ की क्लास करवा दूँगी। आपको जब मन भर जाए, जब मुझे बता दीजिएगा, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में अटेंड करवा दूँगी। ओके एंड तुम्हारा एडमिशन करा दूँगी। ओके मॉम, थैंक यू सो मच, यू आर सो लवली, वेरी मेरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम। ओफो चलो भी कोई बात नहीं, लव यू बेटा, लव यू मॉम। अरे देखो तो इसका बेटा कैसे कर रहा है, अभी मारे इसके एक थप्पड़, मारे एक थप्पड़ अभी। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा, ये हमेशा रोती रहती है। तो कभी हंस भी लिया कर। हाँ मम्मी आप नहीं जानती कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। हाँ एक तू परेशान, एक तेरा वो बाप परेशान, अब तू बता तुझे क्या हुआ। मम्मी
अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप जानते हो ना कि हॉलीडे वेकेशन चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। आप मेरी कोई क्लास लगवा दीजिए ना, जैसे आर्ट क्लास वगैरह। ओ तो अब आर्ट क्लास करेगी? रुक, मेरे साथ किचन में चल और चल किचन में मेरा काम करवा। अच्छा, अच्छी पड़ी छुट्टी। अब क्या नाम है, तुझे सारा किचन का काम, घर का काम सिखाऊंगी और फिर उसके बाद सारा काम सीखेगी, नहीं तो दूसरे घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। चल मेरे साथ अब किचन में। अब मम्मी 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 कुछ नहीं, चल खड़ी हो। अच्छी है, ठीक है। ओ हो, फिजा एंटरटेनमेंट डॉल्स कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, कॉमेडी, स्टोरी, मिनी क्राफ्ट, डॉल ड्रेस वीडियो एंड स्टोरी, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है। क्यूट डॉल वीडियोस, लवली वीडियोस, फोटोशूट वीडियोस, कितनी अच्छी लगती है इनकी सभी वीडियोस में, तो इनकी सभी वीडियो लाइक करती हूँ। और जो ये अभी डाली है ना फिजा एंटरटेनमेंट डॉल्स चैनल ने, इंडियन वर्सेस फॉरनर गर्ल, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं अभी इसे लाइक कर देती हूँ और उस पर एक कमेंट भी कर देती हूँ। कर दिया। और हाँ दोस्तों, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिजा एंटरटेनमेंट डॉल्स को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको अगर फॉरनर वर्सेज इंडियन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं तो अभी और वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लग रही है फिजा एंटरटेनमेंट डॉल्स की, एंड मैं उसके अनदर चैनल को भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट बाय फिजा एंड महक, वो भी बहुत अच्छा चैनल है, आप भी उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओह ये फ़ोन चलाती हुई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। चलो मुझे जो इससे काम था मैं वो बाद में करा दूँगी, अभी ये फ़ोन कर मैं वर्क कर रही है, करने दो। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सी बेटी, लव यू माय डॉटर। ओह पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट डॉल्स की वीडियो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो अभी बेटी हूँ लेकर मैं इसकी वीडियो ज़रूर पूरी देखूँगी। ए चलो मेरे साथ नीचे, फोन में घुसी रहती है 24 घंटे। चल खड़ी हो यहाँ से और चल मेरे साथ किचन में काम करवा। लेकिन मम्मी मैंने तो अभी फ़ोन लिया है, अभी लिया है फ़ोन, 5 मिनट हो गई है तुझे फ़ोन लिए हुए, तुम्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम पूरे दिन फ़ोन लेकर रखो। चल खड़ी हो और मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी फ़ोन लेते ही आपसे फ़ोन ले लिया जाता है ना, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या। मेरे साथ तो हमेशा होता है, अब जाना पड़ेगा। ओह मुझे अपनी बेटी संजना से कुछ काम था, मैं देखती हूँ कि वो सोकर उठ गई है या नहीं। ओह वाह कितनी अच्छी लग रही है ये सोती हुई, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मुझे तो इसे उठाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा है इसे देखती रहूं, बस देखती ही रहूं। अब मैं इसे उठा नहीं सकती, एक काम करूंगी, सोने देती हूं और आराम से बोलती हूं, थोड़ी देर में इससे बात कर लूंगी जो मुझे वर्क है। वैसे भी मुझे शॉपिंग पर लेकर ही जाना था और इससे पूछना था कि यार शॉपिंग पर चलेगी, कोई बात नहीं इसे सोने दो, सो के उठ जाएगी जब लेकर चली जाऊँगी इसे शॉपिंग पर। और चुप हो जाओ। हे भगवान, मैं किचन में काम करती करती थक गई हूँ, जरा देखती हूँ ये लड़की कहाँ है, उठी नहीं अभी तक, सुबह के 6 बज रहे हैं। हे भगवान ये कैसे सो रही है, ए चल उठ, सुबह के 6 बज रहे हैं, उठना नहीं है क्या तुझे। अरे मम्मी 6 ही तो बज रहे हैं, सोने देती थोड़ी देर। हाँ तुझे तो बस सोने ही दो, 24 घंटे, 6 बज चुके हैं, चल मेरे साथ खड़ी होकर काम करवा, सारा काम दे रहा है घर का, चल जल्दी खड़ी हो। अच्छा ठीक है, हो रही हूँ ना। कौन कौन उठता है सुबह जल्दी। ओ माय गॉड मेरी बेटी रो रही है, इसे क्या हुआ, अभी पूछती हूँ इससे। माई चाइल्ड वट हैपन विद यू, वाई आर यू क्राइंग। नथिंग मॉम नथिंग, नो चाइल्ड, प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़, मैं आपकी मॉम नहीं, आप अपनी फ्रेंड समझ कर मुझे बताओ क्या हुआ। मॉम आई हैव ए ब्रेकअप। अच्छा समझ गई, डोंट क्राई, ऐसा तो होता ही रहता है, तुम्हें कोई और अच्छा मिलेगा, डोंट क्राई। ओके बेटा, ओके मॉम, आई लव यू सो मच मॉम, लव यू टू बेटा। अरे ओ क्यों चीखे मार मार के रो रही है तू, रहने दो तुम नहीं समझोगी,
अरे चल अब बताना क्या हुआ, रो रही है यहाँ, हलक फाड़ फाड़ कर पूरे घर को सर पर उठा रखा है तूने। मम्मी उसने मुझे धोखा दे दिया। हाँ अच्छा, अभी रुक, अभी तेरे पापा को बताती हूँ। रुक बिटिया के पापा, मम्मी नहीं नहीं हाँ अभी बताती हूँ। सुना आपने, इसे धोखा दे दिया किसी ने। यो कितनी बार कहा था कि कुछ पढ़, कुछ अच्छा कर, ये क्या काम करा है, क्या काम करा है तूने, क्या करा, ये ले अब तेरा घर से बाहर निकलना बंद। मम्मी वाओ, टुडे इज ए पार्टी, मैं पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बस अब मुझे एक पर्स चाहिए और मैं फिर पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ, तो चलो मैं पर्स ले लेती हूँ। वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अब बस मुझे एक पर्स चाहिए और फिर मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ। सो मैंने पर्स भी ले लिया है एंड अब मैं पार्टी में चली जाती हूँ। लेट्स गो, बाय बाय। वाओ आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। लेट्स सबसे पहले मैं कपड़े बदल लेती हूँ अपने। हाँ अब चलो अपनी जल्दी से सभी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, आखिर सबको पता तो चले कि मेरे पास कितनी ज्वेलरी है। तो चलो सबसे पहले मैं अपने सभी गहने गले में पहन लेती हूँ। चलो पहनती हूँ, सारे पहन लेती हूँ। ओफो बहुत ज्यादा भारी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे सब गहने तो देखेंगे। अब चलो, वो चला भी नहीं जा रहा मुझे तो। अरे ओह कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ खड़ी होने की। अब बस मैं सैंडल पहन लेती हूँ, चलो अब चलती हूँ मैं। नो 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 नो, चलो लेट्स गो। मम्मी मैं लूट गई, चोरों ने मेरे सारे गहने लूट लिए, अब मैं अगली पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी।